अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में देखेंगे कि टेबल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। इन डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा पार्ट इन डिज़ाइन का टेबल्स से रिलेट करता है। तो टेबल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से टेबल्स किस तरह से लेकर आते हो आप इन डिज़ाइन में, उस डाटा को आप किस तरह से यूज़ करते हो, कैसे आप उसको एडिट कर सकते हैं, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनके बारे में आप जान सको। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि टेबल्स को किस तरह से यूज करते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है हमारे पास वो होता है डाटा। टेबल बेसिकली क्या होता है, टेबल में आपने बहुत दफा देखा होगा, टेबल बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है आपकी डाटा एंट्री का इनटू रॉस। अगर इस तरह के बॉक्सेस हैं इस अरेंजमेंट में तो वो रॉस कहलाती हैं, और अगर इस अरेंजमेंट में बॉक्सेस हैं तो वो कॉलम्स कहलाते हैं। और जो ये बीच वाला ये एक पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेल। तो जब भी टेबल पे आप काम करेंगे तो टेबल के लिए आपको ज़रूरी है ये टर्म्स, इन टर्म्स के बारे में पता होना। पहली टर्म जो है वो है आपका टेबल, यानी ये पूरा जो बॉक्स बना हुआ होता है, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है बॉक्सेस का वो पूरा टेबल कहलाता है। अगर वो इस तरह से ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं यानी वर्टिकल बॉक्सेस होते हैं इनको हम कहते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं डाटा की उन्हें आप कहते हो रॉज, और जो एक डब्बा होता है जिसमें आप डाटा इनपुट करते हो उसको हम कहते हैं सेल। सो ये टर्म्स हैं हमारे पास। तो टेबल बनाने के लिए, टेबल बेसिकली होता क्या क्यों है, टेबल होता है आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि आप जो है वो डाटा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस ओपन की हुई हैं। सो इस फ़ोन में ये पूरा डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका प्रोसेसर जो है वो इतना है, प्रोसेसर की तीन चीज़ें होंगी तो तीन चीज़ें एक साथ लिखी हुई हैं, फिर डिस्प्ले में जो जो चीज़ें काउंट होती होंगी वो काउंट करते में यहाँ पर ये लिखी गई हैं। सो यहाँ पर अगर आपको कोई डाटा इनपुट करना है इन डिज़ाइन में टेबल की फॉर्म में, तो दो तरीके हैं, या तो आप स्क्रैच से टेबल खुद से बनाएंगे यानी सारा डाटा आप खुद इंसर्ट करेंगे, या कहीं पर आपको डाटा किसी ने बना हुआ दिया होगा। मैंने स्टार्टिंग के सेशंस में आपको बताया था इन डिज़ाइन में कि यहाँ पे डाटा मिलता है, यानी आपको जो भी कंटेंट राइटर होंगे या जो भी आपके सोर्स होंगी जो जो डाटा प्रोवाइड करती हैं, कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, वो आपको ये टेबल्स टैग सब कुछ लिखा हुआ मिलता है, सिर्फ आपको यहाँ पे इंसर्ट करके फॉर्मेटिंग करनी है, उसकी लेआउटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टेबल बनाने के लिए अगर फ्रॉम स्क्रैच बनाना है आपने टेबल, तो क्या करते हैं आप सिंपल टेबल में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट टेबल। अगर आप इन डिज़ाइन का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, पुराने से मतलब कि अगर आप 2018 का वर्जन यूज़ करें 2018 का, तो उसमें यहाँ पर ये ऑप्शन डिसेबल रहेगा। वो इनेबल कब होता है कि आप सिंपल, अब ये चीज़ अच्छी कर दी है, वरना पहले ख्याल रखना पड़ता था कि आपको पहले टेक्स्ट फ्रेम बनाना पड़ता, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका जो भी डाटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, वो ऑर्गेनाइज होगा, लेकिन जो आपका एक्चुअल डाटा है जिसके लिए आप टेबल बना रहे हो वो आपको मिलता है टेक्स्ट की फॉर्म में। तो इसलिए टेक्स्ट बॉक्स बनाना पहले ज़रूरी होता था, अब के दौर में ये टेबल में डायरेक्ट क्रिएट टेबल मिल जाता है तो इसमें ज़रूरी नहीं होता, वरना पुराने वर्जन में ये करना होता था कि आपको एक फ्रेम बनाना होता था जिस एरिया में भी आपको डाटा इंसर्ट करना है वहाँ, और देन फिर आपको ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और इस ब्लिंकिंग कर्सर के होने पर आप टेबल में जाके यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन चूज़ किया करते थे। लेकिन अब न्यू वर्जन हैं और चीज़ें चेंज हो गई हैं तो यहाँ पर आपको क्रिएट टेबल भी मिलता है और इंसर्ट टेबल भी मिलता है। तो मैं थोड़ा पुराने वाले तरीके से ही कर रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट क्रिएट टेबल भी कर सकते हैं। तो मैं इंसर्ट टेबल पे जाता हूँ, और अब आपसे ये पूछेगा कि आपको बॉडी रॉस कितनी चाहिए, कॉलम्स कितने चाहिए, और यहाँ पर रॉस की तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं, बॉडी रॉस कितनी चाहिए, हेडर रॉस कितनी चाहिए और फुटर रॉस कितनी चाहिए। बेसिकली ये हेडर रॉस और फुटर रॉस भी रॉस होती हैं, लेकिन हेडर रॉस टॉप पर आपको मिलेंगी, फुटर रॉस बिल्कुल बॉटम पर मिलेंगी, और बॉडी रॉस जो है वो दरमियान में आपको मिलती हैं, और कॉलम्स जैसे मैंने बताया कि वो वर्टिकल सीक्वेंस में जो बॉक्सेस होते हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। तो मैं हेडर रॉ यहाँ पे आपको लेके दिखा देता हूँ, दो हेडर रॉज मैंने ले ली, एक फुटर रॉ मैंने ले ली, और यहाँ पर एक बॉडी रॉ, सॉरी चार बॉडी रॉज ले ली और चार कॉलम्स मैंने पिक कर लिए। अब मैं यहाँ से जाके ओके करता हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर टोटल रॉज आपको मिल रही होंगी कुछ 7, क्योंकि मैंने चार बॉडी रॉज ली थी। ये हमारी हेडर रॉ है, सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपल क्लिक करोगे और ड्रैग कर दोगे
अब मैं नीचे तक सिलेक्ट कर रहा हूँ बट ये हो नहीं रहा है क्योंकि ऊपर हमारे पास हेडर रॉस दो ही मौजूद है, तो हेडर रॉस को अलग सेलेक्ट करता है, बॉडी रॉस को अलग सेलेक्ट कर रहा है और फुटर रॉ को अलग सेलेक्ट करेगा, तीनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है टेबल और सिलेक्ट में जाके यहाँ से जाके टेबल का ऑप्शन, तो आप उससे पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कॉलम सिलेक्ट, अच्छा पहले मैं आपको यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करना सिखा देता हूँ। देखें सपोज मुझे कैलेंडर बनाना है, सही, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा कैलेंडर, कैलेंडर भी आपके टेबल की ही फॉर्म में होता है, तो अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम्स होते हैं और एक मंथ में ये मंथ के सॉरी डेज के लिए और ये डेट्स के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही, वैसे 7 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ पे डाटा इंसर्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पर जाके लिखा संडे, टैब प्रेस करने से आपके पास दूसरे टैब में आपके जो टेक्स्ट होता है वो चला जाता है, मंडे, देन फिर ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे। अब वेडनेसडे के बाद मुझे एक और कॉलम चाहिए बट मेरे पास नहीं है वो कॉलम, तो हम टेबल को फॉर्मेट करेंगे, यानी इसमें मज़ीद हम जो कॉलम्स हैं वो ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें मिलता है इंसर्ट का ऑप्शन। जो भी राइट क्लिक करके मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ वो सारे ऑप्शंस आपको टेबल के मेन्यू में भी मिलेंगे, तो आप यहाँ से जाके कर लें या राइट क्लिक करके कर लें, आपकी मर्जी। तो इंसर्ट कह रहा है आपको रॉ ऐड करनी है कॉलम, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें कॉलम ऐड करने हैं, तो मैं कॉलम पर जाता हूँ। अभी आपसे पूछ रहे हैं कितने कॉलम्स ऐड करने हैं, लेफ्ट पे करने हैं या राइट पे करने हैं, तो जो आपका राइट है वो कंप्यूटर का भी राइट है, तो मैं राइट पे कहता हूँ कि अभी हमारे पास 4 डेज हैं, मैं 3 डेज के लिए 3 कॉलम्स और ऐड कर देता हूँ, तो 3 कॉलम्स और आ गए अभी। लेकिन ये हमारे टेक्स्ट फ्रेम के बाहर जा रहे हैं, तो या तो आप अपना टेक्स्ट फ्रेम बढ़ा लें या आप इन कॉलम्स को कम भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ तक बनाना चाहता हूँ बट अभी भी बाहर है, तो उसको हम अभी एडजस्ट करते हैं, बट पहले मैं डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सो इतना करने के बाद अब मैं कहता हूँ कि मुझे ना ये जो कॉलम्स हैं वो थोड़े छोटे छोटे करने, अगर तो आप मैनुअली इनको एडजस्ट करना चाहते हो तो आप सिंपल टेबल में जाओगे और बिल्कुल एज पे आप रखोगे दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह, तो यहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप यहाँ से जाके इसको कम कर सकते हैं इसका साइज़। सो मैं यहाँ से जाके सैटरडे तक कर देता हूँ। अब देखिए एक रॉ छोटी हो गई, एक रॉ बड़ी हो गई, एक रॉ का कोई और साइज़ हो और एक रॉ कुछ और साइज़ हो, तो उससे क्या होगा टेबल थोड़ा ख़राब लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्टार्टिंग ये वाले लाइन से हो, एंडिंग ये वाले लाइन से हो, दरमियान वाले जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जितने भी कॉलम्स आपको एडजस्ट करने हैं, या रॉज भी हो सकती हैं कि आपने कोई रॉ खींच के ज़्यादा बड़ी कर दी है, कोई छोटी कर दी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मुझे पूरे टेबल को एडजस्ट करना है। अगर सिर्फ आपको कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो ये आप जैसे ही ऊपर जाओगे यहाँ पे एरो बना हुआ नजर आएगा, आप यहाँ से कॉलम टू कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम भी आप यहाँ से सेलेक्ट करवा सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप बिल्कुल कॉर्नर पर जाएंगे तो इस तरह का ब्लैक एरो आपको बना हुआ नजर आएगा और इस तरह से आप रॉज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने रॉज अलग अलग ली हैं, फुटर रॉज अलग, हेडर रॉज अलग, तो वो रॉ वाइज आपको सारी सिलेक्ट करके नहीं देगा, लेकिन कॉलम वाइज आपको सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप राइट क्लिक करके सिलेक्ट में जाएंगे, शॉर्टकट कीज भी हैं वो आप याद कर सकते हो, यहाँ से टेबल की शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट है तो पूरा टेबल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी कॉलम्स हैं वो सब सेम साइज के हो जाने चाहिए, तो आप राइट क्लिक करें और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली, यही आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली, और आप यहां से आके सारे कॉलम्स हमने एडजस्ट कर लिए। अब मुझे रॉज भी सब सेम हाइट की करनी है, तो मैं यहां से सिंपल जाऊंगा टेबल और डिस्ट्रीब्यूट रॉज इवनली, तो रॉज भी मैंने इवनली सेट कर ली। अगर आप किसी कॉलम या रॉ को परफेक्ट साइज देना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ हर एक रॉ जो है वो 1 इंच की होनी चाहिए, तो आप टेबल में जाके ये साइजिंग भी दे सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे सेल्स ऑप्शन, सेल ऑप्शंस में, और यहाँ से जाके आपको मिलेगा रॉज एंड कॉलम का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी रॉज एंड कॉलम और रॉ की हाइट आपको दी हुई है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए 1 इंच और मैक्सिमम मैंने कह दिया कि मैं मैक्सिमम मुझे चाहिए 2 इंच, तो आप यहाँ से प्रीव्यू पे चेक लगाएंगे तो ये 1 इंच की हो जाएगी आपकी। सो मैं चेक कर रहा था 2 इंच नहीं है, 1 इंच ही हुआ है, और यहाँ से आके आप ओके करते हो तो आप कम भी कर सकते हो, तो मैंने 0.5 की, तो यहाँ से 0.5 की हमें रॉ भी मिल सकती है और कॉलम विथ भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने ओके किया,
अब मुझे एक मैं हमने अभी कॉलम्स ऐड किए था, इसी तरह मुझे रॉ ऐड करनी है और एक रॉ डिलीट करनी है, क्योंकि हेडर रॉ मेरे पास दो हैं, मैंने डाटा अच्छा गलती से इनपुट कर दिया यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो रॉ है वो ऊपर की तरफ मुझे मिले। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट रॉ, और मुझे ऊपर चाहिए, तो एक रॉ मैंने ऊपर ऐड करवा दी। ये क्यों ऐड करवाई है अभी मैं बताता हूँ। ये वाली रॉ मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल इस रॉ में रखूँगा अपना माउस कर्सर, यानी जो ब्लिंक कर रहा है इस पर राइट क्लिक करके आप करेंगे डिलीट, और डिलीट करने के बाद आप कर दोगे रॉ, यानी वो रॉ जो हेडर रॉ थी वो डिलीट हो गई। अब ऊपर वाली रॉ मैंने ली है यहाँ पे मंथ और उसका जो ईयर है वो लिखने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि जो पूरी रॉ है ये मर्ज हो जाए, यानी ये सारे सेल्स जो हैं वो एक साथ मर्ज करने, तो सबको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से कर देता हूँ मर्ज सेल्स। अगेन मैं बता रहा हूँ, जो भी राइट क्लिक करके ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं वो सब आपको टेबल के मेन्यू में भी ऊपर मिल जाएंगे। तो मैं मर्ज सेल्स यहाँ से करता हूँ, तो ये मर्ज हो गया। और मैं अब इस सेक्शन को दो पार्ट में अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, जनवरी और 2023 लिखने के लिए, या जो भी मंथ और आपका ईयर है वो लिखने के लिए, तो आप सिंपल क्या करोगे कि आप यहाँ से जाके राइट क्लिक, अगर आपने मर्ज किया हुआ या आपने मर्ज नहीं भी किया, ये एक ब्लैंक सेल है जिसको मैंने अभी आपके सामने मर्ज नहीं किया, आप इसको भी तोड़ सकते हैं बीच में से विद द कमांड ऑफ स्प्लिट सेल। अच्छा देखिए यहाँ पर ना ये चीज़ आप नोट करें कि अभी ऑप्शन अलग आ रहे हैं, और जब मैं पूरा सेल सेलेक्ट करूँगा तो ऑप्शन अलग आएंगे। जब आप सेल सेलेक्ट करोगे तो आपको प्योरली जो ऑप्शन हैं वो टेबल वाले ही मिलेंगे, और जब आप ऐसे ही रख के क्लिक राइट क्लिक करेंगे तो आपको मिक्स ऑप्शन मिल रहे हैं, नॉर्मल टेक्स्ट वाले भी मिल रहे हैं और टेबल वाले भी मिल रहे हैं। तो मुझे टेबल वाले ऑप्शन चाहिए तो मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, और देन फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ से स्प्लिट सेल हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हो गया। और इसी तरह अगर आपको सेल को स्प्लिट करना है वर्टिकली, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके स्प्लिट सेल्स वर्टिकली भी कर सकते हैं। सो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू करता हूँ, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो वर्टिकली कर सकते हैं, बट मैं नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर जनवरी 2023 कर दिया। और इसको जो भी आपके फॉन्ट साइज चेंज करना है या जैसे भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इसको, कंट्रोल ए से मैंने किया, और मैं इसको देता हूँ रोबोटो बोल्ड या ब्लैक। अच्छा अब जो सेल होता है उसकी ना अलाइनमेंट भी होती है, एक तो आपके पास टेक्स्ट अलाइनमेंट और सब अलाइनमेंट होती है, तो ये भी हुआ टॉप और लेफ्ट हुआ, मैं इसको सेंटर कर देता हूँ यहाँ से जाके, सेंटर लाइन हो गया, बट मुझे इस सेल के मिड में भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे ही यहाँ से पूरा सेल सेलेक्ट करेंगे, अभी ये टेक्स्ट सेलेक्टेड है, और थोड़ा सा आप नीचे कर दोगे सेल के एंड तक ले जाओगे तो ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर देखें अलाइनमेंट कुछ अलग तरह की भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। सो यहाँ पर हमें टेक्स्ट की अलाइनमेंट यहाँ साइड में नहीं नज़र आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना ऊपर वाला जो कंट्रोल पैनल है, पुराना तरीका, वहाँ से हम जाएंगे, वहाँ हमें सब कुछ मिल जाता है। तो हम यहाँ से जाके देखें सेंटर लाइन मैंने कर लिया, और यहाँ से जाके आप फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो आसान तरीका यूज़ करें आप कंट्रोल पैनल, मुझे कंट्रोल पैनल में ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं तो इसलिए मैं कंट्रोल पैनल ओपन करके ही काम करता हूँ, तो ये मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे डेट डालना चाहता हूँ, तो सपोज जनवरी स्टार्ट हो रहा है, संडे से स्टार्ट हुआ है, तो मैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से जितने भी आपके पास सेल्स हैं वो आप फिल कर देंगे, तो इस तरह से आपका जो भी डाटा है टेबल के लिए वो फिल्ड हो जाएगा। सो एक हमारे पास ये केस होता है कि आप स्क्रैच से बिल्कुल टेबल बनाना चाहते हैं, तो आप टेबल बना सकते हैं, उनको मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, जो चाहो आप कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इस वीडियो का ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डाटा मेरे क्लाइंट ने या मेरी टीम ने पहले से लिखा हुआ है, जो कि सपोज ये मैंने डाटा उसी वेबसाइट से उठाया, तो ये डाटा हमारे पास पहले से मौजूद है एक्सेल में लिखा हुआ, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनडिज़ाइन में इंसर्ट करवा दूँ। तो आप क्या करोगे, अब ये जो एक्सेल का डाटा या एक्सेल का जो भी सॉफ्टवेयर है वो एडोबी का नहीं है, यानी ये उसकी फैमिली से रिलेट नहीं करता, ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, तो आपने अगर इसमें डाटा लिखा हुआ भी है, बनाया हुआ भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, तरीका आसान है लेकिन डायरेक्ट नहीं हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ टाइप टूल सेलेक्ट करके, और मैंने यहाँ पर एक और बॉक्स बनाया, इसमें वो मुझे डाटा चाहिए, तो वहाँ से मैंने कॉपी किया था कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से या राइट क्लिक करके आप पेस्ट करवा सकते हो। अब जब आप पेस्ट करोगे तो डाटा कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। सही, अमूमन जब आप किसी सेम सॉफ्टवेयर से डाटा कॉपी नहीं करते हो तो होता ही है कि जब भी टेबल पेस्ट होता है तो हर एक रॉ की जगह पर
इंटरप्रेस हुआ हुआ यानी पैराग्राफ चेंज हुआ हुआ आता है और हर कॉलम की जगह पे टैब प्रेस हुआ हुआ आता है, टैब वाली फॉर्म आपको मिलती है। अब आपको क्या करना है, डाटा इस कंडीशन में आया बट मुझे चाहिए वैसा ही टेबल बना हुआ, तो मैं यहाँ सिंपल क्या करूँगा, मैं सारा जो डाटा है उसको सिलेक्ट करूँगा, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा टेबल मैंने उठाया है इंटरनेट से, तो हो सकता है कुछ चीज़ें सही भी मिलें कुछ चीज़ें ख़राब भी मिलें, ये हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ जो पूरा डाटा हमारे पास अवेलेबल है, कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी है, जैसा भी पेस्ट हुआ है आप कंट्रोल ए प्रेस करके या फिर आप मैनुअली क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और टेबल में जाएंगे तो देखें यहाँ पर एक ऑप्शन एक्टिव हो गया, पहले ये नहीं था, अब ऑप्शन एक्टिव हो गया है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो आप यहाँ से जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करोगे तो एक आपके पास पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपसे पूछ रहा है कि कॉलम सेपरेटर टैब्स होंगे, यानी जहाँ भी टैब प्रेस हुआ उसको अलग, उस डाटा को अलग कॉलम में डाल दूँ, और जहाँ भी इंटरप्रेस हुआ, पैराग्राफ का मतलब है जहाँ आप इंटरप्रेस करते हो तो पैराग्राफ ब्रेक लगता है, तो जहाँ पैराग्राफ ब्रेक हुआ हुआ है वहाँ पे आपका वो रॉ का डाटा है। तो जो भी सेटिंग हुई हुई होगी बाय डिफॉल्ट वो सही होगी, या आप रीचेक कर लीजिएगा, ऊपर टैब और नीचे पैराग्राफ होना चाहिए। और अगर आपने कोई टेबल स्टाइल बनाया हुआ जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे, तो वो आप यहाँ से टेबल स्टाइल्स अगर आपके पास हैं तो वो आप बाय डिफॉल्ट यानी टेबल में कन्वर्ट करते वक्त भी अप्लाई कर सकते हो और बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये टेबल में कन्वर्ट हो गया जो भी आपका डाटा था। अब वहाँ पे क्योंकि मर्जिंग हुई हुई थी, जो ब्रांड थी वो कुछ इस तरह, सॉरी बिल्ड जो थी वो राइट क्लिक करके मैं यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी हम इसको भी मर्ज कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी डाटा है, इसमें एक एरर भी आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास डाटा थोड़ा ज़्यादा है, हमारा टेबल छोटा है। और अब अगर ये डाटा आपको एक्सेल पर मिला, इस तरह आपकी को किसी भी सॉफ्टवेयर पर बना हुआ मिल सकता है, प्रोसीजर सेम रहेगा, मैंने इसको वर्ड में भी कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो अगर आपके वर्ड पे किसी ने डाटा दिया तो वर्ड से भी आप सिंपल कॉपी करोगे, इन डिज़ाइन में जाके टेक्स्ट फ्रेम बना के उसमें पेस्ट करना है कुछ इस तरह से, और कंट्रोल वी से जाके आप पेस्ट कर दोगे, और सिंपल दोबारा से सिलेक्ट करके आप यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दोगे, तो आपको यहाँ से आपका डाटा टेबल की फॉर्म में, टेब्यूलर फॉर्म में मिल जाएगा। देन फिर फॉर्मेटिंग करना आपको इन डिज़ाइन में ही है, तो यहीं पे ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी। अच्छा देखिए, यहाँ के डाटा में एक थोड़ा इशू हुआ है, इस एक्सेल वाले में नहीं हुआ, इस वाले में हो गया, तो अच्छी बात है कि ये हुआ है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि क्यों कैसे सही करना है। देखिए यहाँ पर एक इशू आता है, चीज़ सिंपल है कि आप सिंपल कट करोगे और ये यहाँ का डाटा है जो कि इधर आ गया, तो हमें क्या करना है, हम सिंपल इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे ना लोग गलती करते हैं कट करने में, अगर मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, देखिए मेरा डाटा बिल्कुल सही आएगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, वो ड्रैग करते करते पूरा सेल सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, यानी ये पूरा जो सेल है वो फिल्ड हो गया। अब ये क्या करेगा, ये पूरा सेल कॉपी या कट जो भी आप कर रहे हो वो करेगा। अगर मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो ये उसके बॉर्डर के साथ आ जाएगा लाइक दिस। तो ये चीज़ आपको ये गलती नहीं करनी है, तो आप जब भी कोई डाटा उठा रहे हो टेबल से तो उसमें आपको ये करना है कि आप सिंपल सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आपको डाटा को कट करना है और यहाँ से लाके आप पेस्ट कर सकते हो। जब डाटा आपने इंसर्ट करवा दिया, सब कुछ आपने डाटा टेबल से ही बना दिया है, तो अब यहाँ पर आपके पास जो टेक्स्ट है उसकी आप फॉर्मेटिंग, तो एक तो आपके फॉन्ट साइजिंग वगैरह होते हैं वो तो आपको रखने ही है, जैसे यहाँ पे हमने बोल्ड कर दिया, रोबोटो ब्लैक ले लिया, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। अब देखें यहाँ पे टेक्स्ट की अरेंजमेंट भी है कि यहाँ से आप इस तरह से किस डायरेक्शन में टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, किस पोजीशन में, मैं सेंटर और मिडिल में रखना चाहता हूँ, प्रोसेसर का वर्ड जो है थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। सो इस तरह से आप अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर एक तरह की फॉर्मेटिंग और आपको करनी पड़ सकती है, विच इज़ बॉर्डर। अगर मैं शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पर अभी बेसिक से बॉर्डर्स आ रहे हैं, तो टेबल का कलर एडजस्ट करना, उसके बॉर्डर्स एडजस्ट करना, उसके लिए आपको क्या करना होगा इन डिज़ाइन में, कि सिंपल है, आपको सेल सेलेक्ट करने हैं, आप कॉलम वाइज जाना चाहते हो तो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ऊपर मैंने क्लिक किया ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, और सिंपल आप स्वेचेस को यूज़ करना चाहते हो तो स्वेचेस यूज़ करें, या फिर आप डबल क्लिक करके मैनुअली कोई कलर फिल करना चाहते हैं, इसको कोई मैनुअल कलर, जैसे यहाँ से मैंने रेड दे दिया, इसको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा डार्क रेड दे देता हूँ ऐसे, और इसको सिलेक्ट करके मैं मज़ीद डार्क रेड दे देता हूँ।
सो इस तरह से आपके पास, और ये वाली रॉ मुझे नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके मैंने इसको कर दिया डिलीट, और सॉरी कॉलम मुझे नहीं चाहिए रॉ, और इसका साइज़ बढ़ा दिया, तो ये इस तरह से डाटा हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कलरिंग कर सकते हैं। अगर आपको एक सेल में कलर चेंज करना है तो आप सिंपल उस सेल को सिलेक्ट करें और यहाँ से जाके मैनुअली, या स्वेचेस से करना है तो स्वेचेस से भी किया जा सकता है। यहाँ से जाके मैंने इसका कलर चेंज कर दिया तो ये अपना कलर चेंज कर देगा। अब बात है यहाँ पे बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स कैसे एडजस्ट करते हैं। देखिए बॉर्डर्स एडजस्ट करना यहाँ पर आपको किस तरह से करना है, आपके पास जितने भी टेबल है या जितना भी सेल्स हैं वो अगर आप सिलेक्ट करते हो, मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसमें सिलेक्ट, पहले डबल क्लिक करके टेबल में जाना है और यहाँ पर जाके फिर मैं कहता हूँ सिलेक्ट करना है मुझे पूरा टेबल। अब यहाँ पर आप अगर देखते हो तो आपके कंट्रोल पैनल में, अगर ये ऊपर ओपन हुआ हुआ है तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा न्यू वर्जन में, ये साइड में आपको नहीं दिए हुए, मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो इसके बॉर्डर्स मैनेज करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि आपको ध्यान देना है ये जो ऊपर का डब्बा है, यानी ये जो बॉक्स आ रहा है, अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ ग्रे लाइंस हैं, आप उनको क्लिक करोगे तो वो ब्लू हो जाएंगी, ब्लू है तो वो क्लिक करने से ग्रे हो जाएंगी। मतलब ये कि आपका जो पूरा टेबल है उसकी जो बॉर्डरिंग है वो आपको इस जगह से करनी है। कैसे करते हैं, बहुत आसान है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं अभी देखें ये ब्लू लाइन जो है वो आउटर साइड पर है, बिल्कुल बाहर की साइड पर, तो इसका मतलब कि जो हम जो भी काम करेंगे, जो भी स्टाइलिंग देंगे, वो पूरे टेबल या जितना भी टेबल का पार्ट आपने सेलेक्ट किया उसकी जो आउटर बाउंड्री है, यानी अगर मैं सिर्फ इस वाले एक कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी आउटर बाउंड्री पे इफेक्ट होगा, अगर मैं सिर्फ इस रॉ को सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी जो आउटर बाउंड्री है उस पर इफेक्ट होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ से इसकी स्ट्रोक बढ़ा दो, तो देखिए सिर्फ जो रॉ मैंने सेलेक्ट की थी सिर्फ उसी की आउटर बाउंड्री पे इफेक्ट हुआ, क्योंकि वो ऊपर हेडर रॉ थी तो उसके ऊपर उसने इफेक्ट नहीं किया। मैं शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करता हूँ बाहर आकर, तो देखें सिर्फ उसकी आउटर बाउंड्री पे एडजस्टमेंट हुई। तो हम वापस जाते हैं, कंट्रोल जेड मैंने प्रेस किया, सो मैं दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट ए, सो इससे पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया और पूरे टेबल की आउटर बाउंड्री को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा 2 points का बॉर्डर आ जाए। यहाँ से डॉटेड की जगह थिक थिन लाइन मैंने पिक कर ली और मैं चाहता हूँ कि पिंक कलर का बॉर्डर हो टेबल, तो आप देख सकते हो कि बाहर की तरफ पिंक कलर का बॉर्डर आ गया। अब सपोज मैं चाहता हूँ ये जो सेंटर वाली लाइन है ये हाइड हो जाए या इनका कलर चेंज हो जाए, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए कुछ इस तरह से। अब सेंटर वाली लाइन यानी अंदर जो वर्टिकल लाइन आ रही है, बाहर वाली नहीं, जो सिर्फ अंदर वाली है, तो मैं क्या करूँगा, बाहर वाली वर्टिकल लाइन्स को ऑफ करूँगा और ऊपर वाली लाइन्स को भी ऑफ कर दूंगा, और देन सिर्फ अंदर वाली जो वर्टिकल लाइन है उसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, और देन फिर मैं यहाँ से इसकी जो स्ट्रोक है वो बंद कर दूंगा जीरो। जीरो करने का मतलब आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि हम मर्ज कर रहे हैं, ये मर्ज नहीं हो रहे हैं, ये हमने बॉर्डर पे जो कलर आ रहा था, ये जो स्ट्रोक आ रही थी वो हमने हटा दी है। तो मैं बाहर आता हूँ यहाँ से और शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, देखें वो लाइंस आपकी हाइड हो। तो सिंपल है, बेसिक है बिल्कुल, कि आपको सिर्फ उन 4 डब्बों से पूरे टेबल को मैनेज करना होगा। आपको दोबारा से वो लाइंस ऐड करनी है सपोज मुझे, तो मैं यहाँ से जाके सिंपल ब्लैक कलर मैंने पिक किया और यहाँ से स्ट्रोक का साइज दे दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर शिफ्ट डब्ल्यू से वो लाइन भी आ जाए। सो इस तरह से आप अपने जो भी बॉर्डर्स हैं, अपने जो रॉज हैं, अपना जो टेबल है उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर दें जब पसंद आ गई है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि आपको जो न्यू वीडियोज आएंगी आगे इन फ्यूचर उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।